हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नुफिन नागी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले अपने इससे जो 25 तक के क्वेश्चन थे वो पढ़ लिए हैं। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे, अलग अलग तरीके से हमने उनको देखा है। चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में तुम्हें क्या कह रहा है, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो वेरीफाई करो टेन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta। तो आपके पास थीटा की वैल्यू है, LHS और RHS में थीटा की वैल्यू पुट करो, फिर उनको सोल्व करो, LHS इक्वल्स टू RHS लेके आना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं LHS की। LHS में हमारे पास है tan 2 थीटा, तो हम tan 2 थीटा का मतलब 30 डिग्री, 2 into 30, तो दैट इज tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट सी। अब हम बात करते हैं RHS पार्ट की। RHS में आपके पास क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta। पहले तुम थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 minus tan square 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1 upon √3। तो नाउ 2 into 1 upon √3, 1 minus 1 upon √3 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर था। ऊपर तो हमारे पास है 2 upon √3 और नीचे क्या है, 1 minus 1 upon 3। नाउ 2 and √3 तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बट नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 minus 1 upon 3। आप एक बार फिर लिखेंगे 2 upon √3 divided by 2/3। फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, 2 upon √3 into 3/2। 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 3 upon √3, थ्री से अंडरूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, सॉरी अंडरूट थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बात समझाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थ्री को क्या लिख सकता हूँ, √3 into √3 और डिवाइड में √3, तो √3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, LHS भी √3 था और RHS भी क्या आ गया, √3। तो आप लिखेंगे सो LHS इज इक्वल टू RHS, सिंपल सा था। वही बात है, देखो कैलकुलेशन आने वाली है, बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम तुम्हें आई नहीं होगी और मेरे हिसाब से एक्सरसाइज में भी नहीं आएगी तुम्हारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो सबसे पहले हम LHS की बात करें, LHS हमारे पास है साइन 2 थीटा और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो आप लिखेंगे साइन 2 into 30 डिग्री, दैट इज योर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। नाउ बात RHS की कर लेते हैं, RHS थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना, 2 tan थीटा divided by 1 plus tan square theta। आप लिखेंगे 2 tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree। पहले पुट करते हैं फटाफट, 2 into 1 upon √3 divided by 1 plus 1 upon √3 का स्क्वायर, लगभग वही क्वेश्चन है। ऊपर तो बन गया 2 upon √3 और नीचे क्या हो जाएगा, 1 plus 1 upon 3। वापस से ऐसे ले लो, 2 upon √3 divided by 3 plus 1 divided by 3, तो 2 upon √3 divided by 4 upon 3। तो आप बेसिकली ऐसे लिखने वाले थे क्या इसको, सही क्या। अब √3 से 3 कैंसिल हो गया √3 टाइम और 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो यहाँ से आंसर आ गया √3/2। लग रहा है LHS RHS से इक्वल है, यस दोस्तों LHS इज इक्वल्स टू RHS, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फटाफट नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। cos 2 थीटा इज दिस, तो जस्ट यू विल राइट LHS इज योर cos 2 थीटा, तो यू कैन राइट cos 2 into 30 डिग्री, दैट इज योर cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 30 तो होती है। नाउ RHS की बात करते हैं, 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, that is 1 minus tan square 30 degree, theta 30 चल रहा है ना, 1 plus tan square 30 degree, तो obviously 30 degree की value तो याद हो गई होगी भाई लोगों, 1 upon √3 का square divided by 1 plus 1 upon √3 का square, ये तो 4 upon 3 आया था याद हो, तो ऊपर वाला 2 upon 3 आया था, नहीं आता ठीक है मैं सोल्व कर देता हूँ, डिवाइड बाय 1 plus 1 upon 3,
ऊपर एलसीएम लोगे 3 -1/3, नीचे एलसीएम लोगे 3 +1/3, तो दिस इज 2/3 डिवाइड बाय 4/3, जिसको आप लिखोगे 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3, 2 से 4, 2 टाइम, तो आंसर आ गया 1/2। इजी था। नेक्स्ट, कोस 3 थीटा, तो एलएचएस क्या है, कोस 3 थीटा, तो आप लिखेंगे कोस 3 इंटू 30 डिग्री, दैट इज कोस 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0। अब आप आरएचएस की बात करेंगे, दैट इज 4 इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो आप लिखेंगे 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री, 4 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू अंडर 3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू अंडर 3/2। नाउ 4 इंटू क्यूब का मतलब 3 √3 हो जाएगा। देखो भाई साहब, अंडर 3 का क्यूब है, इसका बेसिक मीनिंग होता है अंडर 3 इंटू अंडर 3 इंटू अंडर 3, ये दोनों तो बना लेंगे 3, और बचेगा क्या, अंडर 3, और इसका आंसर आएगा 8 माइनस 3 √3 डिवाइड बाय 2, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, तो बचेगा 3 √3 डिवाइड बाय 2 माइनस 3 √3 / 2, दैट इज योर 0। दोस्तों LHS किसके इक्वल आ गया, RHS। इजी था, कोई बड़ी बात तो है नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, अगर A और B इक्वल हैं और 60 डिग्री है, मींस A भी 60 डिग्री और B भी कितना है, 60 डिग्री, तो वेरीफाई करो। और ये देखो प्रॉपर्टीज होती है, cos A - B = cos A cos B + sin A sin B, ये A क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज है। सुनो, सबसे पहले अगर मैं LHS की बात करूं, तो मेरे पास है cos A - B, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोस 60 - 60, ए और बी की वैल्यू 60 है, तो आप लिखेंगे कोस 0, और कोस 0 का वैल्यू 1। तो हम बात करें आर एच एस की, तो हम लिखेंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, हाँ वैल्यू पुट करो, कोस ए 60 कोस बी 60 साइन ए 60 साइन बी 60, वैल्यू पुट कर दो, cos 60 कितना होता है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 √3/2, सॉल्व करो भाई, 1/4 प्लस 3/4 लिख लो क्या, √3 √3 2 2 4, एलसीएम कितना आया 4, तो 1 + 3 दैट इज 4/4, इट इज आल्सो 1, सो LHS इज इक्वल्स टू आर HS, MDHS, RHS, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन 17 का पार्ट 2, 27 का पार्ट 2, LHS साइन A माइनस B, आप इसको लिखेंगे साइन 60 - 60, दैट इज साइन 0, और दैट इज आल्सो 0। RHS साइन A cos B माइनस कोस ए साइन बी, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं, 60 है सारे, तो साइन 60 कोस 60 माइनस कोस 60 साइन 60, सारे 60 है ना, नाउ 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 1/2, कोस 60 1/2, साइन 60 √3/2, लग रहा है दोनों ब्रैकेट सेम है भाई, इसको लिखोगे √3/4, इसको भी हो गया √3/4, तो आंसर क्या आ गया, 0। सो LHS किसके इक्वल है तुम्हारा, RHS, आइडेंटिटी वेरीफाई होंगी, बस मिस्टेक होने के चांस क्या है, ए और बी की वैल्यू डिफरेंट हो, बस तुम कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करने में मिस्टेक कर दोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन आ जाएगा बस। नाउ टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10 a 10 b, तो मैं LHS लेके चलता हूँ, टेन ए माइनस बी, तो मैं लिखूंगा 10 60 - 60, दैट इज 10 0। देखो साइन 0 क्या होता है, 0, और कोस 0 क्या होता है, 1, तो साइन अपॉन कोस 0/1 0, तो ये आएगा 0, 10 0 0 होता है, ठीक है ना। नाउ RHS टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय
वन प्लस टेन ए टेन बी, वैल्यू पुट कर दें, टेन सिक्सटी माइनस टेन सिक्सटी डिवाइड बाय वन प्लस टेन सिक्सटी टेन सिक्सटी, इसका वैल्यू पुट कर लो तो अंडरूट थ्री माइनस अंडरूट थ्री डिवाइड बाय वन प्लस अंडरूट थ्री इंटू अंडरूट थ्री। अब मुझे तो इसको आगे सोल्व करूँ कि यहीं पे मुझे जीरो पता चल रहा है, ऊपर जीरो आ रहा है ना, इसीलिए तुम करना चाहो तो कर सकते हो, जीरो अपॉन वन प्लस थ्री दैट इज ऑल्सो जीरो, अंडरूट थ्री इंटू अंडरूट थ्री थ्री बन गया, अंडरूट थ्री में से अंडरूट थ्री माइनस करोगे जीरो आएगा। तो बेसिकली जल्दी ही क्वेश्चन हो रहे हैं। सो एल एच एस किसके इक्वल है तुम्हारा, आर एच एस, कुछ बड़ी बात तो है नहीं बेसिकली देखा जाए तो। अब कोई आर डी शर्मा से डरे तो उसकी बात अलग है, करने वाली बात तो है। नेक्स्ट, ए की वैल्यू 30 डिग्री बी की वैल्यू 60 डिग्री वेरीफाई दैट। अब ए और बी डिफरेंट है तो थोड़ा सा ध्यान से, तो सबसे पहले मैं एल एच एस की वैल्यू लेके आता हूँ। एल एच एस मेरे पास है साइन ए प्लस बी, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 30 प्लस 60, तो दिस इज साइन 90 और दैट इज 1। अब आर एच एस की बात करते हैं, दैट इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वैल्यू ध्यान से पुट करना, साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 60 सॉरी कोस 30 क्योंकि ए 30 है ना, कोस 30 साइन 60। अब वैल्यू पुट करो, साइन 30 वन अपॉन टू कोस 60 ऑल्सो वन अपॉन टू प्लस कोस 30 अंडर रूट 3 बाय 2 साइन 60 ऑल्सो अंडर रूट 3 बाय 2, दिस इज 1 बाय 4 एंड दिस इज 3 बाय 4, आंसर क्या आ गया 1 प्लस 3 बाय 4 दैट इज 4 बाय 4 इट इज 1। ऐसा लगा, मजाक था ना, मजाक तो नहीं बट मैं नहीं कर रहा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करते रहना है बस, प्रैक्टिस कर लो। तो ये याद हो रहे हैं क्या साइन 30 साइन 60, जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करो, रिलेट करो आपस। चलो पार्ट टू करते हैं, ए कितना है भाई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए 30 है और बी 60 है, लिखा नहीं था। हाँ एल एच एस क्या है, कोस ए प्लस बी तो दैट इज कोस 60 प्लस 30 दैट इज योर कोस 90 और कोस 90 कितना होता है बाबा, जीरो। आर एच एस कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी राइट कोस 30 कोस 60 साइन 30 साइन 60, कोस 30 कितना होता है वन अपॉन टू और कोस 60 अंडर रूट 3 बाय 2 है ना, नहीं उल्टा, अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया, कोस 30 कोस 60 माइनस साइन 30 साइन 60, कोस 30 होता है अंडर रूट 3 बाय 2 और कोस 60 क्या होता है 1 बाय 2, साइन 30 1 बाय 2 और साइन 60 अंडर रूट 3 बाय 2, ठीक है। देख लो भाई ये बन गया अंडर रूट 3 बाय 4 और वो भी बन गया अंडर रूट 3 बाय 4, सेम है तो आंसर आएगा 0। दोस्तों एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस, क्लियर है सबको, इजी है। चलो नेक्स्ट, अगर साइन ए प्लस बी 1 है और कोस ए माइनस बी 1 है तो हमें ये चेक करना है। अब ये दो क्वेश्चन है ना, इसके आगे वाले क्वेश्चन भी कुछ इसी की तरह है, तो मैं इसको इस वीडियो में नहीं बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अपन ने तीन क्वेश्चन किए, 26, 27 और 28, तीन क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, पार्ट्स ज़्यादा थे तो बस ठीक है। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक के क्वेश्चन तुम देख कर आओगे, अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है क्योंकि उसको क्लास 10th की वीडियो हमें मिलते रहेंगे, और नहीं करता तो भी कोई बात नहीं भाई साहब, पढ़ते रहो, बस हमारा भला होना चाहिए, तुम पढ़ते रहो कैसे भी पढ़ो भाई साहब कैसे, बस पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना, एजुकेशन है तो कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।